ज्वालामुखी उपमंडल की नादौन सीमा बड़ोली चौक पर एसडीएम अंकुश शर्मा ने देर रात्रि औचक निरीक्षण किया तथा सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम अंकुश ने सभी कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि आने जाने वालों की पूरी तरह से चेकिंग की जाए और सभी दस्तावेज चेक किए जाएं और कोई भी कोताही न बरती जाए। एसडीएम अंकुश ने बताया कि जिलाधीश के निर्देशों के अनुसार सभी नाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और अति आवश्यक स्थिति में ही नाकों पर प्रवेश दिया जा रहा है। बिना पास या दस्तावेज न होने पर सीमा नाकों के आगे एंट्री नहीं की जा सकेगी। वैश्विक महामारी के कारण बढ़ते हुए पॉजिटिव केसों के कारण सख्ती कर दी गई है और सभी नाकों पर पास चेक करने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी बाहरी राज्यों से आने वाले लोग प्रशासन का सहयोग करें और अपने प्रमाण सीमा में अंदर आने से पहले चेक करवाएं ताकि सभी कोरोना जैसी महामारी से बच सके। देखिए, हमारी शुरू से ये कोशिश रही है और ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं हमारी तरफ से, दिशा की तरफ से, कि नाकों के ऊपर जो है वो किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे नाके के ऊपर जो पुलिस के लोग हैं और अन्य विभागों के लोग जो हमने डिटेल वगैरह लेने के लिए वहाँ पे लगाए हुए हैं, वो बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और हम भी बीच बीच में जब भी टाइम लगता है हम औचक निरीक्षण करते हैं और हमने यही पाया है कि लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी सारी टीम अच्छे से काम कर रही है। सरकार जी, ना आपने जो औचक निरीक्षण किया तो उसमें क्या व्यवस्थाएं पाई गई? जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि मैं यूजली कोशिश करता हूँ कि जब भी वहाँ पे जाऊँ तो बिना बताए जाऊँ। तो 3-4 दिन पहले भी मैं गया था तो हमारी जितनी भी टीम थी वहाँ पे वो घुसपैठ थी बहुत,